आज के आपके करंट अफेयर्स 26 नवंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अब सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है, इसी के साथ में एक और ऑफिस भी बताता हूं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ना, एक्चुअली ये इंडिया का टॉप लॉयर होता है। इसे मतलब नाम से बोला जाता है कि इंडिया का टॉप वकील यही है। कैसे, मतलब जरूरी नहीं है कि टॉप हो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वकील होगा ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी केस होगा वहां पे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया पेश होगा। ठीक है, अब अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे लिखा हुआ है। पर जरूरी नहीं है कि हर केस में अटर्नी जनरल पेश हो सके, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस भी तो बहुत सारे होंगे। तो इसी कारण हमने अलग से क्या किया है, इसकी असिस्टेंस के लिए ना आपके सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और आपके असिस्टेंट अटर्नी जनरल भी बना देते हैं। तो यानी कि एक इसकी पूरी टीम बना देते हैं, बस एक अटर्नी जनरल होता है, सोलिसिटर जनरल। ठीक है, वो भी मल्टीपल हो सकते हैं और आपके असिस्टेंट अटर्नी जनरल्स और भी हो सकते हैं। वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आपका हेल्प हो सके मेन। ट्रेडिशनल सोलिसिटर जनरल्स और सोलिसिटर जनरल, ये दो ऑफिसेस है, मतलब जो असिस्टेंट्स होंगे उन्हें साथ में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक एक्स्ट्रा वकील, मतलब अटर्नी जनरल के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो सोलिसिटर जनरल होता है। फिर आगे एडिशनल सोलिसिटर जनरल्स अलग से होते हैं। इनका यही काम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी केस बारे जानना चाहती है वो जान सके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी कोर्ट में पेश होना है ये। हाँ जी हाँ जी, अच्छा, हाँ नहीं, सबसे बड़ा वकील अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। कोई बात नहीं, आप पढ़ के दोगे ना पेपर तो अपनी गलती करोगे। ठीक है, तो इसके अंडर मतलब सोलिसिटर जनरल इसके अंडर करता है। देखो इंडिया के अंदर अब ये कैसे केस लड़ सकते हैं कैसे नहीं लड़ सकते, इन वकीलों की ना एक चीज अलग होती है। देखो जैसे वैसे आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर ना प्राइवेट काम करना कभी अलाउड नहीं होता। अगर आप सरकारी जॉब में हो आप प्राइवेट काम नहीं कर सकते, पर ये जो वकील हैं ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते रह सकते हैं, मतलब ये कोई और प्राइवेट केस भी ले सकते हैं और अपने फ्री टाइम में वो भी कर सकते हैं। बस इनके ऊपर एक कंडीशन होती है, सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं केस ले सकते ऑब्वियसली, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे तो ये लड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज जब ये कोई भी प्राइवेट केस लेंगे, अब देखो हमेशा एक केस के अंदर दो साइड्स होती है ना, एक होता है विक्टम और एक होता है जिसके ऊपर एक्यूज, जिसके ऊपर इल्जाम लगा है और जिस जो इल्जाम लगा रहा है, दो साइड होगी ना। ये सिर्फ विक्टम की साइड से केस लड़ सकते हैं, पर ये चीज याद रखना, ये कभी स्टेटमेंट आ जाए ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, देखो अटर्नी जनरल का अपना जो टर्म पीरियड होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया। ठीक है, यूजुअली ये उतना टाइम काम करता है जब तक आपकी सरकार चाहती है। ठीक है, इसे अपॉइंट भी प्रेसिडेंट, इन सारे ऑफिसेस को ना अपॉइंट, चाहे अटर्नी जनरल हो चाहे सोलिसिटर जनरल हो, इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ये तब तक काम करते हैं जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब तक चाहता है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेगा कि बस कल से आपकी जरूरत नहीं, बस वो काम खत्म हो जाएगा, फिर किसी और को अपॉइंट कर देंगे। इस तरीके से ये चीजें चलती रह सकती है। क्लियर है, कोई भी डाउट यहाँ पे? हाँ जी, जो आपकी पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग चल रही होती है, ये पार्लियामेंट की मीटिंग के अंदर सोलिसिटर जनरल नहीं आ सकता, अटर्नी जनरल आके आपकी किसी भी पार्लियामेंट की मीटिंग के अंदर आके बैठ सकता है। बस ये वोट नहीं डाल सकता, वो जो हमने पढ़ा था ना यस नो या अब्सटेन, जो वोटिंग, ये वोट में हिस्सा नहीं लेता, ये बैठ सकता है वहां। ठीक है, अगर ये कोई मीटिंग सुनना चाहिए। ये क्यों स्पेशल चीज मानी जाती है, क्योंकि
कोई भी आम इंसान ना वैसे लोकसभा राज्यसभा के अंदर जाके नहीं बैठ सकता, जो सिर्फ उस हाउस का मेंबर होगा उसे ही परमिशन होती है उस हाउस के अंदर जाने की, उसके अलावा सिर्फ एक, मतलब ये मेंबर नहीं है, इससे सिर्फ ये परमिशन मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि ये जाके बैठ सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या पता ये किसी जो लॉ बन रहा है उसमें इंटरेस्टेड हो, ये डिबेट सुनना चाहता हो, ठीक है, कुछ बोलना चाहता हो वहां पे खुद, तो टाइम मांगना चाहे तो मांग सकता है। क्लियर है? सेकेंड करंट अफेयर है आपका 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के। देखो ये जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, इसे आर्टिकल 15 जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें मॉडिफिकेशन लिखी आई थी। आपका आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि गवर्नमेंट जब भी जॉब देगी किसी को भी, जॉब की अपॉर्चुनिटी देगी किसी को भी, सरकार कभी भी किसी में फर्क नहीं करेगी, किन ग्राउंड्स के बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। बर्थ प्लेस चलो एक ही बात है, प्लेस ऑफ बर्थ। ये आपके 5 क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर कभी भी सरकार किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी इनके खिलाफ। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही रिलीजन को जॉब देंगे या यही कास्ट के लोगों को जॉब देंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 15 इक्वालिटी देता है जॉब के मामले में, अपॉर्चुनिटी के मामले में, ठीक है, कि रिलीजन, रेस, बाकी किसी भी मामले में सरकार डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, इस मामले में नहीं कर सकती। इसमें एक एग्जेम्पशन भी है कि सरकार अगर लेट्स सपोज कोई बैकवर्ड कम्युनिटीज है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए डिस्क्रिमिनेशन करती है, जैसे एससी एसटी ओबीसी ने रिजर्वेशन दी जाती है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड लिखा था। देखो ये जो रिजर्वेशन होती है ना, ये कास्ट बेसिस पे नहीं होती। ये जो रिजर्वेशन है ना, ये आपका है कौन सा, सोशल एंड कल्चरल बैकवर्ड होना चाहिए। देखो जो आपकी रिजर्वेशन मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है ये रिजर्वेशन एक्चुअली कोई कास्ट के बेसिस पे नहीं मिलती, ये उन कम्युनिटीज को मिलती है जो सोशली या कल्चरली बैकवर्ड है, जो समाज से थोड़े पिछड़ चुके हैं या ट्रेडिशनली जिन्हें समाज ने थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करके रखा था उन्हें आगे लाने के लिए आपकी वो है, ठीक है। क्योंकि आपकी कास्ट, रेस, रिलीजन, इन सारी चीजों पर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन मना करता है। हमने 103rd अमेंडमेंट करके ना इसके साथ एक और चीज इंसर्ट कर दी थी, एक और डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है अब, वो है आपकी इकोनॉमिक। अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर है उसके लिए भी सरकार स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। तो इसी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था आपका जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा नहीं आ गया EWS, वो ये 103rd अमेंडमेंट से आया है। इसके द्वारा अब 10% रिजर्वेशन मिलती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, ठीक है। मतलब आपके जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं या आपकी गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, ठीक है। वो मुझे एग्जैक्ट कोड तो देखो पता नहीं अब क्या लिखते हैं। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये चेंज देखो कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है कि आज तक 2019 तक 103 बार अमेंड हो चुका, ठीक है। जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल के अंदर होती है, 368, तो यानी कि ये आर्टिकल को आज तक, मतलब ये जब ये अमेंडमेंट जो थी इसमें 103rd टाइम हम यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये आर्टिकल का नंबर, इसलिए ये नंबर इस चीज को स्पेसिफाई करता है। अब इसके बाद क्या है कि देखो इसके अलावा जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उसके लिए भी दिया गया था। अब देखो ये जो आपकी अमेंडमेंट थी ना, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं कहती है कि उन्हें ये EWS देना जरूरी है या नहीं है। अब कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने खुद फिर एक्सटेंड कर दिया, ऑब्वियसली फिर पॉलिटिकल मुद्दा भी बन जाता होता है कि सेंटर दे रही है तो स्टेट क्यों नहीं देंगे,
तो कई स्टेट्स ने भी देना शुरू कर दिया, पर ये मैंडेटरी नहीं है अमेंडमेंट के द्वारा कि स्टेट गवर्नमेंट्स को देना पड़े, ठीक है। ये सिर्फ कोटा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आया था इस अमेंडमेंट से, ये याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोटा, स्टेट का नहीं है। इसके अलावा ये कोटा किन्हें मिलता है, जिनकी पूरे हाउसहोल्ड की इनकम 8 लाख से कम हो, ठीक है। उसके बाद जिस फैमिली के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है एग्रीकल्चर की, उन्हें नहीं मिलता। जिनका घर 1000 स्क्वायर फुट से बड़ा है, उन्हें नहीं मिलता, ठीक है। या जिनके पास 1000 यार्ड का प्लॉट है किसी भी म्युनिसिपल एरिया में, ठीक है, और 200 यार्ड का प्लॉट है नॉन म्युनिसिपल एरिया में, उनके लिए, ठीक है, क्लियर है। मतलब उन्हें ये नहीं मिलता, जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर होगी उन्हें भी ये नहीं मिलता। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये आपके अल्टीमेटली डिफाइन करती हैं ईडब्ल्यूएस को। तो आपके सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली इसी चीज के ऊपर सवाल उठाया है, मतलब ये करंट अफेयर कहां से बना आपके, ना सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या मुद्दा चल रहा है कि 8 लाख की फिगर तक सरकार कैसे पहुंची है, मतलब किस लॉजिक से तुमने 8 लाख रखा है, रैंडमली कोई भी नंबर सोचा रख दिया, ये क्या लॉजिक लगाया तुमने। तो सेंटर ने कहा है कि वो अपने फिर से गो थ्रू करेगी और फिर से री रिवाइज करेगी जो भी सही कोटा बनता है उस पे आने के लिए, क्लियर है। थर्ड आपका जो करंट अफेयर है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसे शॉर्ट में मनरेगा भी कहते हैं, ठीक है। ये जो मनरेगा है ये ना इंडिया के अंदर एक्चुअली राइट टू वर्क देने के लिए लोगों को बना है, ठीक है। राइट टू वर्क यानी कि तुम्हें काम करने का अधिकार देने के लिए ये चीज आई हुई है, ठीक है। इसमें अब काम कैसे देने का अधिकार है कि देखो, आपके रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में नहीं है स्कीम, ये सिर्फ नाम में ही है ना, रूरल एम्प्लॉयमेंट है, अर्बन एरियाज में ये नहीं होती स्कीम। रूरल एरियाज में कम से कम 100 दिन का काम मिलेगा एक हाउसहोल्ड, एक हाउसहोल्ड के अंदर, एक हाउसहोल्ड का मतलब एक परिवार के अंदर। अब एक परिवार के अंदर 3 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं। टोटल करके सबको मिला के सरकार 100 दिन काम देने की गारंटी दे रही है। कैसा काम दे रही की, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर। अनस्किल्ड का मतलब तुम्हारे पास कोई स्किल होनी चाहिए, जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब स्किल का मतलब है, ऐसा नहीं है कि लेट्स सपोज तुम्हें कारपेंट्री आएगी तभी तुम्हें रखेंगे, या तुम्हें, तुम प्लम्बिंग जानते हो, टूटियां कसनी आती है तभी रखेंगे। अनस्किल्ड का मतलब है अगर कोई टैलेंट नहीं है तुम में तब भी आ जाओ, 100 दिन हम काम देंगे ही देंगे। ये ना सरकार की कोशिश है कि हम लोगों की कम से कम मिनिमम इनकम इंश्योर कर सके। अगर लोग 100 दिन पूरे साल के अंदर कमा लेंगे, उनके घर में 100 दिन का मतलब लेट्स सपोज 500-500 रुपए रोज का भी जा रहा है, एटलीस्ट अगले परिवार का गुजारा चल जाएगा। एक तो भूखे नहीं मरेंगे, दूसरा हमारे इकोनॉमी का क्या फायदा है। देखो वो जो 500 रुपए उसे मिला है, 500 रुपए सेविंग तो क्या ही करेगा, कहीं ना कहीं खर्चेगा। खाना खरीदना है तो खरीदा, ठीक है, छत रिपेयर करवानी थी उसके लिए मटेरियल खरीदा, कहीं ना कहीं खर्च ही हो रहा है ना वो पैसा। जब वो खर्च हो रहा है वो अल्टीमेटली इकोनॉमी के अंदर पैसा वापस जा रहा है। इकोनॉमी के अंदर जब स्पेंडिंग होती है, देखो जो आपकी पूरी इकोनॉमी काम करती है ना वो इसी साइकिल के ऊपर काम करती है। जो आपकी पूरी इकोनॉमी होती है वो इसी साइकिल के ऊपर काम करती है कि आप कहीं पे स्पेंड कर रहे हो, वो जिनके पास स्पेंडिंग गई वो उस चीज को प्रोवाइड करने के लिए कहीं और स्पेंड करेंगे, वो अब जिसके पास पैसा गया वो कहीं और मार्केट में स्पेंड करेगा, पैसा सर्कुलेशन में घूमता रहता है, ठीक है। तो एक पूरा इसे कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी बनेगी, पैसा आपका हर टाइम घूमता रहता है, फिर दोबारा से सैलरी आ गई या कुछ भी आ गया, फिर दोबारा से खर्च हुआ, फिर गया, फिर गया, फिर गया। तो आपकी जितनी तेजी से ये साइकिल घूमता है ना, आपकी इकोनॉमी उतनी तेजी से ग्रो करती है, क्योंकि लोग उतना, मतलब जितना लोग खर्चा करेंगे उतना ही तो बिजनेसेस ग्रो करेंगे, जितने बिजनेसेस ग्रो करेंगे उतनी वो लोगों को हायर करेंगे, जितने लोगों को हायर करेंगे उतनी और ज्यादा वेजेस मिलेंगी, जितनी और ज्यादा वेजेस मिलेंगी इकोनॉमी में और ज्यादा पैसा वापस जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी इकोनॉमी काम करती होती है और ग्रो करती है, ठीक है, क्लियर है। ये आपके इकोनॉमिक प्रिंसिपल हैं।
देखो 100 दिन एक अकेला बंदा भी यूज कर सकता है, 20-20 दिन करके अलग अलग लोग भी यूज कर सकते हैं, शायद किसी ने एक दिन, मतलब टोटल 100 दिन मिल रहे हैं, शायद एक बंदे ने 50 दिन यूज कर लिए थे, मतलब एक परि मतलब प्रोविजन एक्ट के अकॉर्डिंग एक हाउस होल्ड का है। हाँ बिल्कुल, वो इसलिए मतलब पंचायत ने अपने काम के लिए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए वो काम किया हुआ है, पर जरूरी नहीं है कि एक ही बंदे को मिले, क्योंकि पूरे वो पंचायत के पास जब रजिस्ट्रेशन होती है, ये ना जो आपकी रजिस्ट्रेशन की पावर है ये आपके ग्राम पंचायत को दी हुई है, जिन्हें काम देना है वो ग्राम पंचायत दिलाती है। क्यों ग्राम पंचायत को दिया हुआ है, क्योंकि ग्राम पंचायत जानती होती है कि उसके एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके परिवार में एक्चुअली लोग कितने हैं। सेंटर सरकार या स्टेट सरकार पता करने बैठेगी तो लोग फ्रॉड भी तो कर जाएंगे कि हम अलग अलग परिवार हैं, ये है वो है। ग्राम पंचायत एक्चुअली रियल स्टेटमेंट जानती है तो उस अकॉर्डिंग वो रजिस्टर कर देगी, ठीक है। अगर कल ग्राम पंचायत को जाके कोई बोलेगा ना कि मैं नहीं काम पे जाऊंगा, ये जाना चाहता है मेरे परिवार से, तो ग्राम पंचायत को उसे अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल करके 100 मिलते हैं। ये जो एक्ट है ना, सबसे पहले 1991 में एक्चुअली प्रपोज किया गया था, लागू देखो 2005 में हुआ। तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, पीवी नरसिम्हा राव, जिन्हें शॉर्ट में पीवीआर भी कह देते हैं, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव 1991 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सबसे पहले ये सजेस्ट किया था। तब इंडिया के पास हालात खराब थे फाइनेंशियली, तो इंडिया के पास इतना पैसा नहीं था। 1991 का इंडिया बहुत ही बुरे हालात से निकला, ठीक है, पर उसी बुरे हालात ने इंडिया को बदल के रख दिया। तो वो इसीलिए पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की ना जोड़ी मशहूर थी, इन दोनों ने मिलके इंडिया को बहुत ही बुरे क्राइसिस से निकाला। इंडिया 1991 में बैंकक्रप्ट हो जाना था, पीवी नरसिम्हा राव ने हिम्मत रखी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पॉलिसीज इंप्लीमेंट कराई, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वैसे तो इकोनॉमिस्ट थे ना, वो तभी तो इतने फेमस हो गए कि बाद में उन्हें प्राइम मिनिस्टर की गद्दी भी ऑफर कर दी गई। पॉलिटिशियन थोड़ी थे कभी, वो तो जब प्राइम मिनिस्टर भी रहे तब भी उन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़े, उन्होंने पहले ही बोला था इलेक्शन लड़ने मैं नहीं आऊंगा, उन्हें बिना इलेक्शन के प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता था, उसका भी तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो एम्प्लॉयमेंट होती है ये 5 किलोमीटर के अंदर अंदर देनी होती है उस पर्सन के रेजिडेंस से, ठीक है, तो उसी एरिया के अंदर अंदर देनी होती है। इसके बाद क्या है, ये आपके अगर मतलब लेसो किसी ने वर्क के लिए अप्लाई किया और उसे 15 दिन के अंदर अंदर काम नहीं मिला, तो जब तक काम नहीं आता होता ना तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना होता है, ठीक है, उसे बेरोजगारी का अलाउंस देना पड़ता है। अगर मतलब ग्राम पंचायत काम ढूंढेगी, अगर ग्राम पंचायत को काम नहीं मिलता तो ग्राम पंचायत को उस बंदे को पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स को तुम इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्लियर है, कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। कोई भी डाउट यहां तक? ये तो आपके ज्यादातर स्कीम्स में लिखा ही होता है कि कॉन्ट्रैक्टर नहीं एम्प्लॉय करने, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टर तो पेपर वर्क सारा घुमा जाएंगे और सरकार सिर्फ घाटे खाती रह जाएगी, ठीक है। अगला जो आपका करंट अफेयर है वो है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बारे। देखो इंडिया की पास अलग अलग सबमरीन्स हैं, हम ना क्या करते होते हैं सबमरीन्स को हमेशा कोई ना कोई एक क्लास का नाम देते हैं। क्लास का मतलब क्या है कि इस सबमरीन के जो भी फीचर्स होंगे ना और इसका जो डिजाइन होगा, क्योंकि एक डिजाइन की एक सबमरीन नहीं बनती, नहीं तो वो बनने में बहुत महंगी बन जाए, एक डिजाइन की मल्टीपल सबमरीन्स हम बनाते हैं। तो एक जो हमने पूरा डिजाइन क्रिएट किया है या किसी और कंट्री से खरीदा है उसे एक हम सिंगल क्लास बना देते हैं कि ये जो डिजाइन, ये जो स्पेसिफिकेशन, कितनी इसकी लेंथ होगी, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे, इसकी बाहर की कवरिंग कैसे, मतलब जो पूरा डिजाइन तैयार किया उसे एक क्लास की बना देते हैं कि ये क्लास की सबमरीन है। तो सबमरीन क्लास जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है ना, ये हमने फ्रांस से ली हुई है, पर अब इन्हें बना हम इंडिया में रहे, इनका डिजाइन हमने फ्रांस से लिया हुआ, ठीक है। इसका जो लेटेस्ट 4th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हमारे इंडियन नेवी को ज्वाइन कर चुकी है बनके, ठीक है, आईएनएस वेला के नाम से ये सबमरीन का नाम रखा गया है। ये आपके
स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो ज्वाइन कर चुकी है। ये कन्वेंशनल सबमरीन है। कन्वेंशनल सबमरीन क्या होती है? देखो सबमरीन ना दो टाइप की होती है, कन्वेंशनल और दूसरी होती है न्यूक्लियर। कन्वेंशनल सबमरीन का मतलब है कि इनका इंजन या तो बैटरी से चलता होगा या डीजल इंजन होगा इनके अंदर, ठीक है। न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर जो इंजन होता है ना, उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर होता है अपना खुद का, तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है। इंडिया के पास अभी तक सिर्फ एक ही न्यूक्लियर सबमरीन है, कौन से नाम से? INS अरिहंत, ठीक है। ये इंडिया की इकलौती इंडिजिनस खुद बनाई हुई न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के पास मतलब टोटल हमारे पास 16 कन्वेंशनल सबमरीन है और एक न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है, जिसमें से 8 हमने रशिया की किलो क्लास सबमरीन है, ये देखो एक और क्लास होगी ना किलो क्लास, ठीक है। 4 हमने जर्मन से ली हुई है, HDW सबमरीन, और 4 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन होगी, चौथा INS वेला है। ये जो वेला नाम आता है, ये एक इंडिया में पाई जाने वाली मछली का नाम है वेला, एक स्टिंगरे फैमिली से। स्टिंगरे पता है क्या होती है? स्टिंगरे ना एक जेली जैसा दिखने वाला ना जानवर होता है पानी के अंदर, जो ना डंग मारता है, ठीक है। स्टिंग करने का मतलब ये होता है डंग मारना, ठीक है। ये ना पानी के अंदर, और ये कई बार दिखाई नहीं देते होते, और ये आके सीधा डंग मारते हैं पानी में, मतलब ये समुद्र में रहते हैं, ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी पानी में होंगे, समुद्र के अंदर होते हैं, और ये बहुत बुरी तरीके से डंग मारते हैं, खून निकाल देते हैं। तो ये ऐसी ही एक वैरायटी है जो इंडिया के समुद्र में पाई जाती है, उसके नाम से हमने इसका नाम रखा है वेला, ठीक है। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन KBC में भी आ जाते हैं, ठीक है। एक और कन्वेंशनल क्लास सबमरीन थी किरंज, किरंज ऐसे करके एक हमने लॉन्च की थी एक शिप, वो आपके KBC में क्वेश्चन था 12:30। दोबारा से बताता हूँ, देखो प्रोजेक्ट 75 आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया हुआ है, आपके इंडियन नेवी ने शुरू किया हुआ है, ठीक है, जिसके अंडर आपकी सबमरीन्स कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाई जा रही है। ये सबमरीन देखो होता क्या है, प्रोजेक्ट क्या है कि देखो गवर्नमेंट कभी भी जो नेवी है ना वो एक एक करके सबमरीन नहीं बनाती, वो एक साथ कई सबमरीन्स का ऑर्डर प्लेस कर देगी। वो जो एक सिंगल ऑर्डर होगा उसे एक प्रोजेक्ट का नंबर दे देंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या किया हुआ है कि आपके जितने भी ये प्रोजेक्ट है ना, इन्हें अलग अलग नाम के अकॉर्डिंग भी नंबर दिए हुए हैं। जैसे कन्वेंशनल सबमरीन हमेशा प्रोजेक्ट 75 के अंडर ही बनेंगे, ठीक है। और भी हम जैसे शिप्स पढ़ेंगे, कभी डिस्ट्रॉयर कभी फ्रिगेट्स, ठीक है, वो सबका अलग अलग नंबर होगा, इसी के मुताबिक ये चीज चलेगी। अब इसके स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में जो सबसे पहली सबमरीन आई थी उसका नाम था INS कालवरी, ठीक है। सेकंड था INS कंधेरी और थर्ड थी करंज, तब भी स्कॉर्पियन क्लास यही आई थी। ये सारे की सारी ना फिशेस का नाम है, सब फिशेस का नाम है जो इंडिया के पानी में पाई जाती हैं, कालवरी भी कंधेरी भी और करंज भी और अब वेला भी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो एक साथ जोड़ के रखते हैं, मतलब जो भी प्रोजेक्ट आएगा उनमें एक जैसे नाम होंगे सारे, तो ये सारे फिशेस के नाम होंगे, ठीक है। मतलब नेवी ऐसे ही नाम रखती है कि नेवी कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करती है, अगर उसने 6 शिप्स बनानी है, यानी कि 6 मछलियों के नाम होंगे ये सारे के सारे।
अगर पहाड़ों के नाम आ रहे हैं सारे पहाड़ों के नाम ही होंगे, ठीक है। अगर रिवर्स के नाम आ रहे हैं, INS यमुना, INS गंगा, ठीक है, गोदावरी, कावेरी, इनके अकॉर्डिंग रख दें, ठीक है। शहरों के नाम से थोड़े दिन पहले कौन सी चीज बारे पढ़ा था, क्या गवर्नमेंट का कौन सा प्रोजेक्ट है, INS विशाखापट्टनम, क्या बना रहे हो न्यूक्लियर सबमरीन, थोड़े। हाँ डिस्ट्रॉयर्स बना रहे हैं। देखो एक शिप्स होती है डिस्ट्रॉयर, ये समुद्र के ऊपर चलती है। डिस्ट्रॉयर का मतलब ही ये है कि बहुत सारे वेपन जो कैरी करके चल रही होती है, ठीक है। उनका काम ही ये है डिस्ट्रॉयज, तबाही मचाने का। तो उसका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट जैसे ये प्रोजेक्ट 17 है ना, उसका प्रोजेक्ट है 17B पे पहुंच गया। वो पहले 17 था, फिर 17A आया, फिर 17B। नंबर सतारा डिस्ट्रॉयर से जुड़ा हुआ है, 75 नंबर सबमरीन, कन्वेंशनल सबमरीन से ही जुड़ा हुआ, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे अब वो चार डिस्ट्रॉयर बना रहे हैं। पहला डिस्ट्रॉयर अभी लॉन्च हुआ था, थोड़ा टाइम पहले करंट अफेयर था, मैगजीन में आ जाएगा फिर। वो था आपका INS विशाखापट्टनम, ठीक है। अभी जो बाकी बनने हैं INS इम्फाल, सूरत और मोरमुगांव, ठीक है, ये तीन अभी बनने हैं। तो वहां पे शहरों के नाम यूज किए हैं, क्लियर है। अगला आपका करंट अफेयर है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो आपके इंडिया में डेमोग्राफिक शिफ्ट आ रहा है, वुमेन की पॉपुलेशन मेन की पॉपुलेशन से ज्यादा हो गई है क्या। अगर आपको ये स्टेटमेंट्स आती हैं, अब ये तीन स्टेटमेंट कंसिडर करो। आज हमने पहले एक बारी फैमिली हेल्थ सर्वे जितना पढ़ा है, तीन स्टेटमेंट बताता हूँ। देखो पहले तो डेमोग्राफिक शिफ्ट क्या आ रहा है, हर 1,000 मेन के लिए अब इंडिया के अंदर 1,020 वुमेन है, ठीक है। तो वुमेन की आबादी मेन से ऊपर जा चुकी है। अब इस चीज को दूसरे तरीके से जो मैं स्टेटमेंट के तौर पे पूछना चाहता हूँ, सुबह एक डेटा पढ़ाया था, एक एक करके स्टेटमेंट बताना। रूरल एरियाज में वुमेन की पॉपुलेशन मेन से ज्यादा है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सेक्स रेशियो में वुमेन की पॉपुलेशन ज्यादा है कंपेयर टू मेन, ये ठीक है। अर्बन एरियाज में वुमेन की पॉपुलेशन मेन से ज्यादा है, नहीं। अर्बन एरिया में अभी भी जो सेक्स रेशियो है ना, अर्बन एरियाज में सेक्स रेशियो नीचे है। अर्बन एरिया में कितनी थी, 985, 85 या 86 थी। हर 1,000 मेल्स के लिए 985 फीमेल्स हैं अर्बन एरिया में, तो रूरल एरिया में ज्यादा है, ठीक है। वहां पे 77 के करीब की नंबर पहुंचा है। इंडिया का एवरेज नंबर ये निकल आता है अर्बन और रूरल एरिया को मिला के 10201, क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इसकी वैसे बात की जाए, ये आपके सबसे पहले 1992 में शुरू हुए थे। अब जो सर्वे हो रहा है ये सीरीज में फिफ्थ सर्वे है। तो इससे पहले चार सर्वेज हो चुके हैं, इससे पिछला सर्वे 2014-15 में हुआ था, ठीक है। तब से हम अलग अलग सर्वे करवाते आए हैं, क्लियर है। अब अगला जो आपका करंट अफेयर है वो है सोलोमन आइलैंड्स के बारे में। सोलोमन आइलैंड्स और इसके बीच में इशू क्या हुआ है, मैं वो दोनों चीजें बताता हूँ। सोलोमन आइलैंड में बेसिकली न्यूज क्या थी आपके, ऑस्ट्रेलिया ना अपनी पुलिस और ट्रूप्स और डिप्लोमैट्स को भेज रहा है, क्योंकि वहां पे ना बहुत बड़े स्केल पे सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पे उतर आए हैं और दंगे भड़क चुके हैं। जगह जगह बिल्डिंग्स को आग लगा दी है लोगों ने, बहुत ही ज्यादा वायलेंस भड़क गई है। तो ऑस्ट्रेलिया मदद के लिए, सरकार की मदद के लिए अपनी फौज अपनी पुलिस को भेज रहा है। क्यों भेज रहा है, क्योंकि ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया और उसका पड़ोसी देश ही है ये जो आइलैंड देश है ना, यहाँ पे ये जितना आइलैंड का ये ग्रुप पड़ता है ये आपके सोलोमन के हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं जो एक्चुअली हमारे आम दिनों में नजर में कभी आते भी नहीं है, क्योंकि कहाँ ही सुना है हमने इनके बारे। ये सिर्फ ये स्पेशल जब कभी मेंशन होते हैं तभी आते हैं। आपने कभी इस आइलैंड बारे सुना होगा, जैसे फिजी, ठीक है, पर इस यहाँ पे और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जैसे
एक फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया है, एक किरीबाती है, एक तुवालु है, और एक आपका जैसे सोलोमन आइलैंड है। ये सबको यहाँ पे, क्योंकि ये जिस समुद्र में पड़ते हैं, पैसिफिक ओशन है ना, इन्हें पैसिफिक ओशन के बस टापू कहते हैं इन सबको, उन सबका ग्रुप है ये। अलग अलग है, छोटे छोटे से आइलैंड्स, अगर तुम मैप पे देखोगे पानी के अंदर नजर भी नहीं आएगा, छोटे छोटे से आइलैंड है, पर ये इतने को आइलैंड ही एक पूरा देश बनाते हैं बस। ठीक है, ये जैसे इतना को बस इनका लैंड एरिया है, ये सोलोमन है। क्लियर है? तो इनके आसपास देश जैसे पपुआ न्यू गिनिया, इंडोनेशिया, इस साइड से शुरू हो जाता है, ये नीचे ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका न्यूजीलैंड है। इनकी भी बाउंड्री है, हाँ बिल्कुल, ये देखो तभी तो इतनी बाउंड्री इनकी बनी। कर नहीं सकते ना, करने को तो कर ही सकते ऑस्ट्रेलिया कब्जा, पर वो कॉलोनियलिज्म का टाइम खत्म हो गया ना दुनिया में। बिल्कुल। अब ये चीज हुई क्यों है कि वहां पे दंगे क्यों भड़के हैं? दुनिया में कितने चाइना है, ये कैसा क्वेश्चन हुआ? चाइना तो एक ही सुना था, चाइना दो है। ठीक है, अब ये एक डिस्प्यूट है कि असली चाइना कौन सा है। अब हुआ क्या था, थोड़ी सी हिस्ट्री के, वर्ल्ड हिस्ट्री में जाके बताता हूं। देखो, आपके ओरिजिनली जो चाइना था, ये जो सारा मेनलैंड चाइना जो हमारे ऊपर पड़ता है, यहाँ पे जो आपकी सरकार थी ना, ये आपकी कैपिटलिस्ट सरकार थी। ठीक है, अमेरिका इनका दोस्त होता था। 1940s का टाइम चल रहा है। 1940s के टाइम पे क्या हुआ, देखो वर्ल्ड वॉर चल रही थी। वर्ल्ड वॉर में चाइना की सरकार पूरी तरीके से जापान से लड़ने में बिजी है। ठीक है, ये सारी चीजों में बिजी है। चाइना के रूरल एरिया में एक रेवोल्यूशन शुरू होता है जिसके लीडर थे माओ जेडोंग। माओ जेडोंग का क्या कहना था कि देखो ये जो अमीर लोग हैं, ये ना माओ जेडोंग इंस्पायर्ड थे कम्युनिस्ट सोच से, समाजवादी सोच से। माओ जेडोंग का कहना था कि ये देखो ये जो अमीर लोग हैं, ये सारा का सारा पैसा अपने पास लेके बैठे, गरीबों के पास खाने को भी कुछ नहीं है। ठीक है, ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ ऑलरेडी जो ऊपर जो देश था, जो यूएसएसआर बन चुका था, वहां पे 1917 में हो चुका था। वहां पे चाइना, रशिया के अंदर क्या हुआ था, कहां से इंस्पिरेशन आई आपके वहां पे ना, जब वर्ल्ड वॉर वन में रशिया पार्टिसिपेट कर रहा था, रशिया की ना आर्मी की हालत बहुत ही खराब थी। आर्मी वर्ल्ड वॉर लड़ रही है पर आर्मी के पास बूट्स तक नहीं है डालने के लिए, गन्स नहीं है, उन्हें डंडे देके भेजा जा रहा है लड़ने के लिए वर्ल्ड वॉर में, तो और खाना नहीं पहुंचता था उन तक, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इसके अलावा आपके रशिया के अंदर भी लोगों को खाना नहीं मिल रहा, क्योंकि सारा कुछ तो वॉर के एफर्ट के ऊपर लग रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सब प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसके बीच में जो रशिया का राजा होता था ना, रशिया के राजा को जार कहते थे वो, और जितने भी अमीर लोग थे रशिया के, ये सारे रोज के रोज पार्टीज कर रहे होते, सेलिब्रेशन कर रहे होते, तो लोगों के मन में गुस्सा बढ़ता रहा कि हमारी इतनी हालत खराब है और ये इतना एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरा, रशिया के अंदर उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चल रहा था, तो आपकी वर्कर्स, देखो उस टाइम पे क्या होता था, आपके ना इंडस्ट्रियल वर्कर से जो काम करवाए जाते थे, कोई फिक्स आवर्स नहीं होते थे, आपके वर्कर से 18 18 घंटे फैक्ट्रीज में काम करवाया जाता था, और तब जाके वो इतना को कमा पाते थे कि बस दो वक्त की रोटी खा पाए, बाकी सारा का सारा आपके जो फैक्ट्री ओन करता था वही ले जाता था। तो वो अमीर होते जा रहे थे, वर्कर्स गरीब होते जा रहे थे। इसी के चलते हुए आपकी यूएसएसआर में कम्युनिज्म की जो फिलॉसफी थी ना, लोगों में ये पॉपुलर होने लगे। ये ओरिजिनली फिलॉसफी दी थी आपके कार्ल मार्क्स ने, एक जर्मन पर्सन था। ठीक है, डेथ इसकी ब्रिटेन में हुई है। कार्ल मार्क्स ने एक पूरी थ्योरी लिखी थी कम्युनिज्म में, जिसने उसने बोला था कि देखो आज तक ह्यूमंस की हिस्ट्री ऐसी रही है, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, एक हद पे जाके अब गरीब फिर बर्दाश्त नहीं कर पाता।
वो फिर रिवोल्ट कर देते हैं और अल्टीमेटली आपकी सरकारों के तख्ता पलट हो जाते हैं। यहां पे भी यही हुआ, आपके यूएसएसआर में जो जार था इसे लोगों ने मार दिया और इसकी जगह दुनिया की सबसे पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन का मतलब ही होता है, सोवियत का मतलब होता है वर्कर्स की सरकार। तो उन्होंने कहा था हम ऐसा, कम्युनिज्म की फिलॉसफी ऐसे कहती है कि आज की सरकार को खत्म कर देंगे, इसकी जगह एक ऐसी सरकार बनाएंगे जिसमें हर इंसान बराबर होगा। अब हर इंसान बराबर कैसे हो सकता है? तो इसी के चलते जो आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो पूरी इकोनॉमी होती है, उसे सरकार चलाती है। सारी जमीन सरकार की, सारी इंडस्ट्री सरकार की, सारी लेबर सरकार की। आपने एज अ पर्सन क्या करना है, बस आपने सरकारी ऑफिस में जाके लेटर देनी है कि मुझे काम की जरूरत है। अब चाहे सरकार आपको किसी खेत में लगाए, किसी टीचिंग में लगाए, किसी ऑफिस में बिठाए, या जो भी तुम्हारा टैलेंट है उसके मुताबिक बिठा दे, जहां तुम्हें अब भेज दिए गए तुम वहीं जाओगे, ठीक है। पर सरकार तुम्हें बेसिक पे भी देगी, तुम्हारे रहने के लिए घर भी देगी, ठीक है, खाना भी इंश्योर करेगी, सैलरी भी देगी, ये सारे खर्चे सरकार के अपने। तो सोवियत यूनियन को देख के दुनिया भर में ना बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए थे, जैसे इंडिया के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी बन गई थी, आज भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये जो आपकी सारी दुनिया में फिलॉसफी फैली, चाइना के अंदर भी इंस्पिरेशन आया। माओ ज़ेडोंग ने भी एक बार पहले कोशिश की थी कि मैं फैक्ट्रीज से सारे वर्कर्स को इकट्ठा कर सकूं और उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दूं सरकार के खिलाफ, पर वो रिवोल्ट पहले फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ था? क्योंकि चाइना के अंदर तो इंडस्ट्रीज इतनी थी नहीं, रशिया तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से निकल रहा था ना, तो इस कारण वहां पर ज्यादातर लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे। चाइना के अंदर तो सिर्फ 5% पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज में थी, बाकी सारे तो थे ही नहीं उसमें। तो उसके बाद क्योंकि माओ ज़ेडोंग को भागना पड़ा था, माओ ज़ेडोंग रूरल एरियाज में छुपते घूम रहे थे, उन्हें वहां पर सपोर्ट मिली आपके रूरल एरिया के अंदर जो मजदूर है, जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, उनसे सपोर्ट मिली। उन्होंने उनकी फौज इकट्ठे, मतलब उन्होंने पूरा चाइना घूमा और लोगों को जोड़ते रहे और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। सरकार देखो वर्ल्ड वॉर टू लड़ते लड़ते, मतलब 1940s के टाइम पे वर्ल्ड वॉर टू चाइना की सरकार ने जितना पार्टिसिपेट किया, लड़ते लड़ते ऑलरेडी सोल्जर थक चुके हैं सरकार के, ठीक है। 1939 से कभी जापान ने बहुत बुरी हालत करके रखी हुई थी चाइना की, तो लड़ना बहुत मुश्किल का काम था। तो यहाँ पे लड़ते लड़ते फाइनली जब टक्कर का टाइम आया सरकार के बीच में और माओ ज़ेडोंग के बीच में, सरकार ऑलरेडी कमजोर पड़ चुकी थी वर्ल्ड वॉर्स लड़ते लड़ते, तो चाइना की सरकार के ऊपर आराम से माओ ज़ेडोंग के लोगों ने कब्जा कर लिया और चाइना को एक कम्युनिस्ट चाइना के तौर पे बना दिया। अब ये जो आखिरी में सरकार के कुछ लोग बचे थे ना, ये अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे जितनी भी शिप्स थे शिप्स उठा के भागे, जो सबसे पास में आइलैंड था वहां पे, ये यहाँ पे आइलैंड पे भाग गए। ये आइलैंड को आज मॉडर्न टाइम पे हम कहते हैं ताइवान, ठीक है। तो पीछे ये सारे माओ के सपोर्टर्स ने कब्जा कर लिया, माओ आपके इस चाइना के लीडर बन गए। जो लोग यहां चले गए थे उन्होंने अपनी ही सरकार बना ली। माओ ज़ेडोंग और उनके फॉलोअर्स के पास शिप्स नहीं होती थी उस टाइम पे, तो वो इनका पीछा नहीं कर पाए थे, तो इन दोनों में एक डिस्कनेक्ट आ गया। पर ये ताइवान, ये सरकार तो कभी यहां पे रही है ना, ये तो भाग गए हैं। ये लोग आज भी क्लेम करते हैं कि ये सारा चाइना हमारा है। ये चाइना क्लेम करता है कि ये ताइवान हमारा है, क्योंकि ताइवान हमारी आइलैंड का पार्ट होना चाहिए। वो कहते हैं ये चाइना हमें मिलना चाहिए। दोनों सरकारों में आपस में बनती नहीं, दोनों के झंडे अलग है, सब कुछ अलग है, बिल्कुल चीज अलग चलती है। अब बात आती है कि देखो लॉन्ग टर्म में ये जो माओ ज़ेडोंग का चाइना था, देखो अब दोनों को चाइना हम क्यों कहते हैं, दोनों की जो सरकार का नाम है ना, जैसे हम इंडिया की लिखते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं हम अपने आप को, चाइना जो है, जो आज हमारे ऊपर पड़ोसी है हमारा, उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसे कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों अपने आप को चाइना ही कहते हैं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की जमीन के ऊपर कब्जा जड़ा हुआ है। इनका चाहे छोटा सा ये आइलैंड है, ये इतनी बड़ी जमीन के ऊपर कब्जा जड़ के बैठा है कि मतलब कहता है कि ये मेरी जमीन होनी चाहिए, ठीक है, इतना को आइलैंड है, कहता है पूरा चाइना मेरा होना चाहिए। चाइना कहता है कि इतना सा आइलैंड है, ये भी हमारा हिस्सा ही है, ठीक है, कभी ना कभी हम ले लेंगे।
तो दोनों में ये टसल बनी रहती है। तो इसके चलते हुए क्या होता है कि अब देखो दुनिया में ये डिपेंड करता है कि हम किसे रेकोगनाइज करते हैं कि चाइना कौन सा है, ठीक है। ओरिजिनली जब सारी दुनिया में इंडिपेंडेंस आनी शुरू हुई थी, आजादी आनी शुरू हुई थी, ये 1945 में आपकी वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गई थी, 49 में आपके ये चाइना का रेवोल्यूशन हो गया था। 1949 से लेके 1973 तक ये जो साल रहे हैं ना, ज्यादातर दुनिया की कंट्रीज, ये जो ताइवान है ना, इसे ही चाइना कहते थे, इसे कोई भी चाइना की ओरिजिनल सरकार नहीं मानता था, हर कोई इसे ही मानता था। पर 1973 में ऐसा क्या हुआ, 1973 में ना जो दुनिया की बहुत बड़ी पावर है यूएसए, अमेरिका ने टिल्ट शिफ्ट किया। अमेरिका को देखो, अमेरिका की सोवियत यूनियन से नहीं बनती थी, ठीक है, यूएसएसआर से नहीं बनती थी, कोल्ड वॉर चल रही थी दोनों की। अमेरिका को लगा अगर मैं चाइना का साथ दूंगा, मैं यहां पे इसकी बॉर्डर के थ्रू सोवियत यूनियन को तंग करता रह सकता, तो उसके लिए जरूरी था इनसे बातचीत करना, इनसे रिश्ते बनाना। तो इनसे रिश्ते बनाए, इनसे रिश्ते कम कर दिए। तो होता क्या है कि जब कोई किसी देश के साथ तुम फुल डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाते हो ना, तो हम हमेशा उसके कैपिटल, जो उसके जो भी कैपिटल होगी वहां पे ना अपनी एम्बेसी ओपन करते हैं। जैसे इंडिया के दिल्ली शहर में सारी जितनी कंट्रीज के साथ हमारे रिश्ते हैं ना, सबकी एम्बेसी दिल्ली में है, हमारी एम्बेसीज उनकी कैपिटल में होंगी, ठीक है। पाकिस्तान की सारी एम्बेसीज इस्लामाबाद में है, ठीक है, अमेरिका की आपकी वाशिंगटन डीसी में है। एम्बेसी हमेशा कैपिटल शहरों में ही होती है, ठीक है। दो ऑफिसेज होते हैं डिप्लोमेसी के, एक होता है सबसे बड़ा ऑफिस होता है एम्बेसी, जो मेन ऑफिस होता है किसी भी कंट्री के अंदर। इससे छोटे ऑफिस देखो, अब जैसे इंडिया जैसा बहुत बड़ा देश है, अमेरिका अपने इंडिया के साथ अगर रिश्ते बढ़ाना चाहता है, इंडिया की आबादी के साथ अलग अलग जगह पर इंटरेक्ट करना पड़ेगा, अपने खुद के बिजनेसेस को कहीं पर जरूरत पड़ सकती है, तो दिल्ली तो यहां ऊपर रह गया, बाकी इंडिया में क्या। तो जैसे अमेरिका जैसों ने भी क्या किया है, बाकी और जगहों पे ना इसके अंडर छोटे ऑफिसेज ओपन कर देते थे, इन्हें कहते होते हैं कॉन्सुलेट ऑफिस, ठीक है। जैसे अगर आपके इंडिया के अंदर ही बात की जाए, इंडिया का एम्बेसी सारी दिल्ली में है, पर आपके कॉन्सुलेट ऑफिस जगह जगह खुले हैं। जैसे फ्रांस का एक कॉन्सुलेट ऑफिस आपके 36 में ही है, ठीक है, तो फ्रांस ने अपना एक कॉन्सुलेट ऑफिस यहाँ पे खोल कर रखा। तो कोई भी किसी को भी फ्रांस गवर्नमेंट से कोई भी काम है, फ्रेंच गवर्नमेंट का कोई पेपर कुछ भी है, तो यहाँ पे उनका 36वीं ऑफिस है, ठीक है। तो हमें दिल्ली तक ट्रैवल करने की जरूरत नहीं, हम यहीं से करवा सकते हैं। तो कॉन्सुलेट ऑफिस इस तरीके से काम करते हैं। अब एक तो अमेरिका ने अपना टिल्ट शिफ्ट किया, लॉन्ग टर्म में अमेरिका अमीर भी, लॉन्ग टर्म में जो चाइना है ये अमीर भी हो गया, ये वाला चाइना। अब इस चाइना ने दुनिया भर में एक पॉलिसी अप्लाई करनी शुरू कर दी है, उस पॉलिसी को कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी क्या कहता है कि तुम इन दोनों में से किसी एक को ही चाइना मान सकते हो, या तो मेनलैंड चाइना जो बड़े वाला है उससे चाइना मानो, या ये छोटे वाले को चाइना मानो, बस किसी एक को चाइना मानो। तो ऑब्वियसली इंडिया ने किसे रिकॉग्निशन दी हुई है, जिसे हम चाइना कहते हैं, इसे ही, ठीक है। इसलिए अगर तुम मैप पे देखोगे ना, ताइवान बस छोटा सा करके उसके ब्रैकेट में यहाँ पे ताइवान लिखा होता है, क्योंकि हम इसे डिप्लोमेटिक रिकॉग्नाइज नहीं करते, हमारी ताइवान के अंदर एम्बेसी नहीं है। एम्बेसी चाइना कहते हैं, या तो हमारे यहाँ पे ओपन कर लो या इनके यहाँ। अब दुनिया को लॉन्ग टर्म में, क्योंकि चाइना अमीर भी हो गया, चाइना दुनिया भर को प्रोडक्ट्स भी सप्लाई कर रहा है, चाइना की जरूरत है हर किसी, तो सारी दुनिया को इसे रिकॉग्नाइज ही करना पड़ता है, तो ताइवान को हर कोई अकेला छोड़ता जा रहा है। दुनिया में सिर्फ दो या तीन देश या बचे हैं जो एक्चुअली ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं और मेन चाइना को नहीं करते। उनमें से एक देश था जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करता था, सोलोमन आइलैंड का। सोलोमन आइलैंड ने इसी हफ्ते फैसला लिया कि हम ताइवान को छोड़ के चाइना को, जो मेनलैंड चाइना है, उसे रिकॉग्निशन देते। तो उनकी जो आबादी है वहां पे, वो उस चीज, इस एक्शन के खिलाफ है कि आप मेनलैंड चाइना को रिकॉग्निशन क्यों दे रहे हो और ये छोटे देशों से क्यों हटा रहे हो। तो उसके चलते हुए ये दंगे भड़क गए।
ठीक है, एलिगेशन है कि लीडर्स ने चाइना से पैसे खाए हैं, चाइना अमीर इतना है किसी को रिश्वत दे सकता है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजों करते हुए लोग सड़कों पे उतरे हुए, तो ये इस कारण वहां पे हालात खराब हुआ। क्लियर है, कोई भी डाउट? और ऑस्ट्रेलिया जो मिलिट्री भेज रहा है ना यहाँ पे, जो मिलिट्री सपोर्ट भेज रहा है, पुलिस सपोर्ट भेज रहा है, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसका लेना देना क्या है इससे। एक तो देखो, डिप्लोमेटिक हेल्प किसी कंट्री की सरकार को बचाओगे, अगले ऑब्वियसली एहसान याद रखेंगे। दूसरी चीज है कि अगर तुम मिलिट्री और ट्रूप्स पहले भेज दोगे, चाइना नहीं भेजेगा। नहीं तो चाइना भी तो फायदा उठा सकता है कि हम भेज देते हैं, ऑस्ट्रेलिया का नेबरहुड है, चाइना की फौज यहां पे होगी, चाइना भी तो ये ऑफर, ये जो हेल्प ऑस्ट्रेलिया ने ऑफर की है, चाइना भी तो सेम हेल्प ऑफर कर सकता है, इंडिया भी तो कर सकता है, कोई भी देश ऑफर कर सकता है। पर हमारे देश के आसपास भी किसी और देश की फौज होगी, हमें भी अनकंफर्टेबल लगेगा, इन्हें भी अनकंफर्टेबल लगता है। तो इसके चलते हुए आपके ऑस्ट्रेलिया इसे स्टेप इन कर रहा है, ठीक है, ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस ना दिखे। क्लियर है? तो इसलिए ये थे आपके आज के करंट।